कार्यक्रम हमारे एनडीए के सभी मंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में सहयोग जनता के सहयोग की भावना से ये काम है। तो मेरे विभाग का जो जमीनी विवाद है 50% को जो मेरे पास आता है उनका अपना पारिवारिक विवाद होता है, 20-25% कोर्ट का मामला रहता है, 20-25% मामला जमाबंदी का, दाखिल खारिज का, दखल कब्जा का मामला है। इसमें जो काम न्याय उचित है वो काम मेरे द्वारा कराया जाता है और जनता को संतोषप्रद जवाब भी मिलता है, काम भी हो रहा है, जनता रिप्लाई भी कर रहा है। तो ये थोड़ी परेशानी है, उसका निपटारा हम लोग कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत जल्द समाप्त होगा। सरकार कुछ ऐसा रूट मैप भी तैयार कर रही है जो आने वाले दिनों में आम लोगों को ज़्यादा फायदा। सरकार की मंशा साफ है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा भूमि सुधार विभाग है, जब तक जमीन पर लोगों को हक हकूक कागज नहीं मिलेगा, सर्वे नहीं होगा, चकबंदी नहीं होगा, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस काम को गति तेज करने में सरकार तत्पर है, सरकार सारे मशीनरी के साथ तैयार है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जनता, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग को भी मैंने कहा, लेकिन आप लोग भी मुझे सहयोग नहीं करते। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम अगर एक साथ 12 करोड़ जनता को सुधारने जाएंगे तो नहीं सुधर सकता है। कि हम लोग सब लोग संकल्प लेंगे, हम अपना अपना काम करा लेंगे, करवा देंगे, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए और जागरूक हुए भी आप। अब डिजिटल की दुनिया है तो आने वाला समय क्लियर हो इसके लिए जमाबंदी, पुस्तैनी संपत्ति का बंटवारा, पुस्तैनी संपत्ति का जमाबंदी कराने का तरीका कई एक तरीका है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी हो रहा है, कोर्ट में भी हो रहा है और सीओ के यहाँ भी हो रहा है। इन सब जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। आप सभी भाई में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, पिताजी 5 भाई हैं, ये सब मिलकर जमाबंदी क्लियर कीजिए, क्योंकि नया सर्वे चालू है, नया एरियल सर्वे हो चुका है। नया सर्वे जब चालू है उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आप फिर परेशानी होगी। जो आज जिस जनता दरबार में यहाँ सहयोग को देख रहे हैं, काफ़ी पुराना 100-100 साल का लोग विषय लेकर के आते हैं, आपको भी, आपके बच्चों को भी लेकर जाना पड़ेगा। तो ये कैंसर है, इसको समाप्त करने के लिए तमाम भाइयों का भी सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। जिस तरह से आप एक एक योजना विकास करवाते हैं, मूल विकास जमीन है, तभी ये कोई इस पर विकास संभव है। तो आप सब लोग जब जमीन घर से बंटवारे से निश्चित हो जाएंगे, मानसिक प्रताड़ना से बचेंगे और निश्चित होकर के आप दिल्ली, बॉम्बे, बनारस या देश विदेश के अंदर काम करते रहेंगे। और आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 3 से 4 साल के अंदर में एक एक चीज़, मेरा प्रयास है 2 साल के अंदर, लेकिन एक एक चीज़ आपका ऑनलाइन हो जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से हर काम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, रसीद करवा सकते हैं, नापी करवा सकते हैं, टोटल चीज़ आने वाला समय। यादव जी ने कहा उसके पीछे राज, PM में नो वैकेंसी, अच्छा, और CM में भी नो वैकेंसी, तो चाहते हैं कि CM साहब ऊपर चले जाके हमारे जगह खाली हो जाए। उनके मन में यही बात है, यहाँ ना ऊपर वैकेंसी है, नीचे वैकेंसी है, जो दोनों जगह है सर्वमान्यता रहेंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं। लेकिन राजद की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सर जिस दिन से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है उस दिन क्या वो PM क्या CM बनने लायक नहीं है। तेजस्वी जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले हैं, ये वही बेहतर बता सकते। एक आखिरी सवाल से ले लिया जाए, 19 लाख रोजगार का वादा चुनावी दौर में किया जा रहा था, अब तेजस्वी यादव एक बार फिर निशाना साधते दिखे हैं कि 19 लाख रोजगार देना था, 15 लाख रोजगार छीन लिया गया। आपके उनके कथनानुसार 4 लाख रोजगार मिल गया है, 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है उनके कथनानुसार, आपने कहा स्वीकार किए ना आप अभी सवाल हमसे किए हैं, 19 लाख में 15 लाख का रोजगार छीन लिया गया, यानी 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये पुष्टि विपक्षी नेता हमारे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।